सो यो हेलो गेमर्स, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल स्नीकी साहिल। और आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई और अमेजिंग वीडियो में। तो गाइस, बहुत दिनों से मैं बना रहा था सिर्फ अटैक स्ट्रेटजीज पे गाइड, और तभी गाइस मेरे आज या कल में एक कमेंट आया मेरे सब्सक्राइबर के, भाई आप सिर्फ अटैक स्ट्रेटजीज के ऊपर ही गाइड बनाते रहते हो, कभी फार्मिंग के ऊपर भी बनाया करो अपग्रेड गाइड्स। तो गाइस अब से मैंने सोचा कि मैं आपके लिए फार्मिंग की वीडियोज़ और अपग्रेड गाइड्स भी लाता रहूँगा। तो गाइस सिर्फ आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप TH9 पे कैसे फार्मिंग कर सकते हो। गाइस आपने बिल्कुल सुना, आप गाइस आप अंधाधुन फार्मिंग कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप जो मेरी जनता लोग मेरे को देख रहे हो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, मैं आपको A to Z बता दूंगा कि TH9 पे आप इजी फार्मिंग कैसे कर सकते। साथ ही इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से उस रेड वाले बटन को दबा के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट करके रख लो। साथ ही गाइस आज की इस वाली वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस एक बात और, हमारे 40 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके, तो उसका बहुत ही धन्यवाद। और गाइस अभी हमको कैसे भी करके हमारा नेक्स्ट एम है 100 सब्सक्राइबर्स, तो उसके लिए गाइस हमको 50 सब्सक्राइबर्स करने, तो गाइस और 10 सब्सक्राइबर्स करने। और गाइस आज की इस वाली वीडियो पे मैं लाइक एम करता हूँ 5 लाइक्स का, तो प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करा देना। और गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बता के गाइस वीडियो कैसे लगी और आपको आने वाले डेज में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम अपने प्यारे से सुथरे से TH9 वाले अकाउंट पे आ चुके हैं। और गाइस अभी अभी मैंने फार्मिंग के 2 अटैक्स करे, इसी वजह से मेरे किंग क्वीन मर मुड़ा गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको लाइव अटैक करके तो नहीं दिखा सकता, पर गाइस मैं आपको अटैक रिप्ले जरूर दिखा सकता हूँ। पर गाइस रिप्ले दिखाने से पहले हम बात करते हैं एक प्रॉपर लीग में, मतलब कि ट्रॉफी की आपको कौन सी लीग में। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं क्रिस्टल लीग में हूँ, क्रिस्टल 3rd में हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको गोल्ड फर्स्ट से लेके क्रिस्टल 3rd के बीच में रहना, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही तगड़ी तगड़ी लूट मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको 2-3 सर्च करके दिखाता हूँ। सो गाइस हमको बेस नहीं मिल रहा, गाइस थोड़ा सा आपको ढूंढना भी होगा, थोड़ा सा आपको अपनी मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि गाइस फार्मिंग करना इजी नहीं होता, आप सभी को पता है। इसलिए मैं आपको एक अच्छा सा तगड़ा सा बेस ढूंढना, तो अटैक नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले कर रखा है और हमारी आर्मी भी ट्रेन नहीं है। मैं आपको बस एक बेस का कितना लूट मिलता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो सही, इस बेस पे गाइस आप देख सकते हो कि इस पे भर भर के 4000 डार्क एलिक्सर है। तो गाइस आप डार्क फार्मिंग भी आराम से कर सकते हो इस लीग में। तो मैं आपको गोल्ड और एलिक्सर का भी बेस दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। तो गाइस आप देखा कि गाइस मैंने कुछ क्लिक्स करे, गाइस थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अभी मैं पूरी लोअर लीग में नहीं हूँ, मैं क्रिस्टल 3rd में हूँ और क्रिस्टल 3rd थोड़ी सी हायर लीग होती है, उसमें लूट मिलती कम है गोल्ड एलिक्सर की और डार्क एलिक्सर की। पर एक बात है कि आपको अगर डार्क एलिक्सर की लूट से जो आपको गोल्ड लीग में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको क्रिस्टल लीग में जाना होगा, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर गोल्ड और एलेक्सर कितना अच्छा है। तो गाइस आप समझ गए हो कि अगर आप गोल्ड फर्स्ट या सिल्वर 3rd के बीच में रहोगे तो आपको बहुत ही तगड़ी लूट मिल जाएगी, गोल्ड की भी मिल जाएगी, एलेक्सर की भी मिल जाएगी और डार्क एलेक्सर की भी मिल जाएगी। तो गाइस अब मैं आपको एक अटैक रिप्ले दिखाता हूँ। एक बात और, गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको 2 TH9 की बहुत ही पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, एक नहीं 2-2, क्योंकि गाइस दोनों अटैक स्ट्रेटजी अलग अलग है, मतलब कि दोनों हम अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो गाइस हम अपने पहले रिप्ले पर चलते हैं। तो गाइस जो हमारा पहला रिप्ले गाइस उस पर हम आ चुके हैं और गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस लूट 6 लाख की लूट मिली और 2000 डार्क एलिक्सर। और गाइस जो हमारी अटैक स्ट्रेटजी है गाइस उस अटैक स्ट्रेटजी का नाम है पैका स्मैश, या फिर आप इसको वाइप अटैक स्ट्रेटजी, जैसे हमारी गो वाइप अटैक स्ट्रेटजी होती है उसमें हम गोलम को यूज़ करते हैं, पर इसमें हम गोलम को यूज़ नहीं करते, बस इतना डिफरेंस है। और इसमें आपका आर्मी कॉम्पोजिशन आप देख सकते हो स्क्रीन पर, 3 आर्चर, 4 वर्ल्ड वेकर, 21 विजर्ड्स, 5 और पेकास। सीसी में आपको लेनी है बोलर्स, किंग, क्वीन, 2 रेज, 2 हील, 1 पॉइजनर और सीसी में लेना है फ्रीज। और गाइस एक बात और, अगर आप सीधे TH8 को मैक्स करके TH9 पे मूव कर लिए हो और तब भी आप अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो, कैसे है गाइस, TH8 के जो अकाउंट्स है वो ज़्यादातर गोल्ड या क्रिस्टल लीग में होते, तो वहाँ पर बेस मैक्स होते नहीं, रस्ट बेसिस होते, तो वहाँ पर भी आप इस अटैक स्ट्रेटजी आराम से फार्मिंग कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और गाइस अगर आपके पास एक बात और, अगर आपके पास थोड़े से मैजिक आइटम्स है, मतलब कि आपके पास एक बुक ऑफ हीरो या बुक ऑफ स्पेल, तो आप बुक ऑफ फाइटिंग या फिर आपके पास हैमर ऑफ फाइटिंग है, तो आप उससे पैक्का को मैक्स कर लो और विजिट को मैक्स कर लो, उससे आप आराम से फार्मिंग कर सकते हो। या फिर गाइस आप इस अटैक स्ट्रेटजी को वैसे यूज़ करके फार्म करके फिर आप अपग्रेड कर लो उनको। तो गाइस अब मैं आपको रिप्ले दिखाता हूँ।
सो गाइस इस अटैक स्टेट में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले सारे पेकास को स्पैम कर देना लाइन से, फिर सारे के विजार्ड्स को स्पैम कर देना है, पीछे से अपने किंग क्वीन सीजी के बोल्स डालने हैं और अपने वॉल ब्रेकर्स को डालने। मेरे थोड़े वॉल ब्रेकर साइड में चले गए पर कोई बात नहीं, वो हमारे ट्रूप्स आ जाते हैं। फिर गाइस जैसे ही ट्रूप्स थोड़े अंदर, जहाँ पर आपको एक रेज और एक हील का कॉम्बिनेशन डालना है जिससे कि भटसर मट जाए पूरे कोर में और वो पूरा तबाह हो जाए। और गाइस हमारा अटैक बहुत ही अच्छा चल रहा है, थोड़े ट्रूप्स साइड में थोड़े कोर में तो अच्छी बात है, और पैक पैक का हमारा साइड चला है वो भी अच्छी बात है क्योंकि साइड का बेस भी क्लियर हो जाएगा। फिर से गाइस जैसे ही आपके ट्रूप्स और कोर में आ जाए तो एक रेज और एक हील का कॉम्बिनेशन फिर से डालना है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो हम कितनी खतरनाक तरीके से सारा लूट लिया। गाइस यहाँ पर मैंने पॉइजन स्पेल यूज़ कर लिया एनिमी के किंग पे। और गाइस मैंने यहाँ पर एक फ्रीज स्पेल भी यूज़ कर लिया क्योंकि गाइस वो विजर्ड टावर बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा था हमारे ट्रूप्स को। तो गाइस ये बेस कितना आराम से 3 स्टार निकल चुका, हम 3 स्टार अपने हमको लूट निकाल दो। गाइस हमने कितने आराम से लूट निकाल लिया, मतलब पूरा बेस को चूस लिया, एकदम खतरनाक तरीके से लूट निकाला है। आप देख ही सकते हो गाइस कितनी पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी है फार्मिंग के लिए। और गाइस आपने देखा कि इससे हमने कितनी आराम से 6-6 लाख एलेक्जर गोल्ड और डार्क एलेक्जर 2000 कितना आराम से निकाला। तो सोच सकते हो गाइस कितनी हायर और पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी। तो गाइस अब आप देख सकते हो गाइस जो हमारी जो पहली अटैक स्ट्रेटजी है उस अटैक स्ट्रेटजी का नाम है वाइप अटैक स्ट्रेटजी। और गाइस मैं उसको आपको कोस्ट भी दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी मेरे पास ट्रेन नहीं है तो एक मिनट में आपको बना के दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 5 पेकास, 21 विजार्ड्स और 4 वॉल ब्रेकर और यहाँ पर 3 आर्चर 1। हाँ गाइस तो इसका आप कॉस्ट देख सकते हो गाइस 2,71,800, मतलब कि गाइस इतना काफ़ी। गाइस अगर आप कोई और अटैक स्ट्रेटजी यूज़ करते हो जैसे कि अपर टाउन हॉल्स में या फिर TH9 के हिसाब से ये नॉर्मल कॉस्ट होता है, इससे ज़्यादा आप अगर फार्म करोगे तो मतलब आपको, मेरे को तो सिर्फ 6 लाख की लूट मिली है, पर अगर आप अटैक करोगे तो आपको 8-8 लाख की 9-9 लाख की लूट मिलेगी अगर आप गोल्ड लीग में हुए तो, वरना थोड़ी सी अगर आप क्रिस्टल में थोड़ी सी कम मिलती है वो मेरे को पता है। और गाइस मैंने एक अपना पॉइजन, मतलब पॉइजन लिया, आप पॉइजन की जगह फ्रीज भी ले सकते हो जिससे कि आप 0 डार्क एलेक्सर यूज़ कर रहे हो। तो गाइस अब मैं आपको दूसरी अटैक स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। सो गाइस हम अपनी दूसरी अटैक स्ट्रेटजी पे आ गए। और गाइस इस अटैक स्ट्रेटजी का नाम है जैप ड्रैगलून। और गाइस ये अटैक स्ट्रेटजी स्पेशली डार्क एलेक्सर फार्मिंग के लिए, मतलब गाइस अगर आप TH8 से TH9 पे आ चुका है बहुत दिनों से TH9 पे और आपकी बहुत सी चीज़ें मैक्स हो चुकी है, आपको अगर किंग क्वीन यूज़ करें तो ये स्पेशली किंग क्वीन को मैक्स करने के लिए अटैक स्ट्रेटजी, वरना अगर आपको सभी मतलब गोल्ड एलेक्सर डार्क एलेक्सर इक्वल अमाउंट में चाहिए तब भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका आप आर्मी कॉम्पोजिशन देख सकते हो, 2 आर्चर 4 वॉल ब्रेकर 8 लून्स 8 ड्रैगन 1 बेबी CC में आपको इलेक्ट्रो ड्रैगन किंग क्वीन और मास लाइटनिंग। और गाइस इससे आपको क्या करना है कि देखो गाइस इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब कि इसको आप एयर डिफेंस भी फोड़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप एयर डिफेंस देख सकते हो इनको भी फोड़ सकते हो, या फिर जो यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना इसका ड्रिल डार्क एलेक्सर ड्रिल को फोड़ सकते हो। अगर आपको सिर्फ डार्क एलेक्सर लूट करना है तो इसकी आप सारी ड्रिल्स को फोड़ दो, जैसे कि एक ड्रिल इसको फोड़ दो, एक ड्रिल इसको फोड़ दो और एक और ड्रिल किधर है इसकी, एक मिनट, सो एक बेटा मिनट, इसकी तीसरी ड्रिल, वाओ बंदे के पास तीसरी ड्रिल है ही नहीं, मेरे को दिख नहीं रही। सो गाइस इस बेस पे शायद ये नया इसलिए इसकी आईडी वैसे यहाँ पर तीसरा ड्रिल नहीं है। तो गाइस अगर आपको तीसरा ड्रिल मिलता है तो उसको भी फोड़ दो, और फिर उसके बाद अगर यहाँ देख सकते हो गाइस यहाँ पर इसका स्टोरेज बिल्कुल भी खाली है, तो आपको सिर्फ क्या करना है इसकी ड्रिल्स फोड़ के एंड बैटल कर देनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और अगर आपको तीसरी ड्रिल भी मिलती है तो उसको भी फोड़ दो, वरना गाइस अगर आपको ये तो हो गए डार्क एलेक्सर फार्मिंग करने की बात, वरना अगर गाइस आपको एलेक्सर और गोल्ड की फार्मिंग करनी है डार्क एलेक्सर तीनों इक्वल करने, तो गाइस आपको क्या करना है, तो गाइस आपको सबसे पहले जितनी भी लाइटिंग्स है लाइटनिंग स्पेल है उनसे आपको एयर डिफेंस डाउन करना है, तो मैक्स जो CC में लाइटनिंग है वो हायर लेवल का हुआ, मतलब 8 या 9 लेवल का हुआ, तो 3 ही लाइटनिंग में एयर डिफेंस फूट जाएगा। तो मैंने क्या करा इस पर 4 लाइटनिंग डाली, इस पर 1 CC का 2 वैसे ये फूट गया, और इस पर मैंने 3 लाइटनिंग और डाल दी, इसकी हेल्थ बिल्कुल इतनी सी हो गई। फिर हमारे ड्रैगन्स ने क्लियर कर लिया, फिर मैं अपने किंग क्वीन को इधर डाल दिया, फिर ये वॉल ब्रेक कर ली और किंग क्वीन ने ये वाला एयर डिफेंस ले लिया, और फिर यहाँ पर मैंने अपने सारे ड्रैगन्स इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून्स को स्पैम करके इसको आराम से इसका लूट चूस लिया, आप देख सकते हो। तो ये सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने क्वीन को भी एक साथ ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड लाइटनिंग डाला और ये एयर डिफेंस डाउन हो गई। फिर इस साइड भी मैंने CC की लाइटनिंग डाली थी और फिर 2 लाइटनिंग और डाल दी। और गाइस एक बात और, आपको फार्मिंग करने के समय आपको कोई भी मैक्स बेसिस नहीं मिलेंगे,
सिर्फ आपको रस बेसिस ही मिलेंगे, मतलब थोड़े से रस टाइप के ही और रस बेसिस ही मिलेंगे, क्योंकि फार्मिंग अगर आप लोअर लीग में रहते हो तो आपको ज़्यादा बैंक्स बेसिस मिलते नहीं, वो आपके लिए एक एडवांटेज होता है फार्मिंग करने के लिए। सो गाइस मैंने जो 3 लाइटनिंग स्पेल थी मैंने इस इधर डाल दी, जिससे कि इसकी थोड़ी सी हेल्थ बची है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने किंग क्वीन को डाल दिया, एक वॉल ब्रेकर को भी डाल दिया और सारे के सारे वॉल ब्रेकर डाल दिए। और गाइस अब मेरे किंग और क्वीन इस वाले एलिमेंट्स को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक बेबी ड्रैगन को डाला फनल क्रिएट करने के लिए, फिर एक ड्रैगन भी इधर डाल दिया जिससे कि अच्छे से फनल बन जाए। और यहाँ पर मैंने एक और ड्रैगन को डिप्लॉय कर दिया और अभी भी हमारा अटैक बहुत अच्छा जा रहा है। और यहाँ पर एलिमेंट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है पर इतना चलता है। हमारे यहाँ के एलिमेंट्स भी क्लियर हो चुके हैं। फिर मैंने यहाँ पर सारे के सारे लून स्पैम कर दिए, ड्रैगन स्पैम कर दिया, अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन स्पैम कर दिया और ये इस एयर डिफेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था। इसलिए सबसे पहले आपको अपने लून्स को डिप्लॉय करना है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी एचपी है तो वो बलून्स और ड्रैगन्स वैसे ही खा जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस अटैक हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है, एकदम ओपी तगड़ा चल रहा है। और यहाँ पर मेरे ड्रैगन्स ने एक फटके में ही इसको डाउन कर लिया। और गाइस अब इस बेस में कुछ नहीं बता, बाकी का जो ड्रैगन्स है वो लूट निकाल लेते हैं आराम से, आप देख सकते हो। तो गाइस आपने देखा कि ये बेस भी कितना आराम से 3 स्टार निकल गया और इसका हमने सारा लूट भी निकाल लिया। और गाइस आज की वीडियो में तो मैंने सिर्फ आपको गोल्ड और एलिक्सर, स्पेशली गोल्ड और एलिक्सर पे ज़्यादा ध्यान दिए। अगर आपको डार्क एलिक्सर की, स्पेशली डार्क एलिक्सर की फार्मिंग पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं स्पेशली डार्क एलिक्सर की अलग से आर्मी बना के उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको अलग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। अरे बाबू आउट्रो लगा रे।